अपने सपनों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए। मैंने जिंदगी में कई समझौते सपनों को पूरा करने की कोशिश। पापा, पापा मिठाई खाओ जल्दी। जहाँ मैंने कुछ पाया वहीं मैंने अपना सब कुछ खो दिया। सपने जब पलकों पर बिछे होते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैंने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया ना उन्होंने ही मुझे रौंद दिया। अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका सपना छोटा हो या बड़ा उसकी एक कीमत होती है। और मैंने जिंदगी से यही सीखा है कि अगर कुछ पाना है तो बस पाना है, फिर उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। क्या आप मोटापे से परेशान हैं? क्या इसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है? क्या लोग आपका मजाक उड़ाते हैं? तो बस अब बहुत हुआ, अब आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंस्टा शेप स्लिमिंग सेंटर में आपकी प्रॉब्लम का 100% सलूशन है, वो भी पूरी गारंटी के साथ। तो फोन उठाएं और कॉल कीजिए और पाएं। मेरी प्रीतु बहुत अच्छी चाय बनाती है। बेटा प्रीतु, चाय तो ले आना। आई मम्मी। फैटियामल या पटियाला? क्या है मम्मी? मैंने तुझे चाय लाने को बोला था ना, ये क्या तमाशा कर रही है? ये क्या चल रहा है? क्या हमें बेइज्जत कराने के लिए बुलाया था यहाँ पे? बेइज्जत? बेइज्जती उनकी होती जिनकी कोई इज्जत हो। बेइज्जती तो मेरी हुई है फटीचर कह के चले आओ मुंह उठा के मुझे देखने के लिए। मेरी शादी किसी रईस बड़े आदमी से होगी। चलो निकलो ऐसे, निकलो। एक बार नजर मार के देख ले कैसी लग रही है? हमेशा की तरह बम लाग रही है। बिना देखे ऐसे कह रही बम लाग रही। क्या बात है, आज बड़ा मूड में लाग रही है। कुछ चाहिए क्या तुझे? चाहिए नहीं, देने वाली। बिल्कुल थारे जैसा लौंडा बाप बनने वाला है। सच मुझ तुम्हारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पड़ी। अरे खुश कर दिया, अब देखना और सबको पार्टी दूंगा। पहले तो गैंग वालों को लड्डू खिलाऊंगा। फोन करता हूँ अभी। बस बस साला खुश मत हो अभी, धीरे बोल। वैसे भी तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं पिंटू पांडे। बात तो सही कह रही है तू। दिन ब दिन जवान होती जा रही है। माफ करना भाई साहब, मना देखा नहीं, वो बहुत जरूरी काम था ना इसलिए चला आया। हमेशा भाई की हालचाल पूछने आते हो, कभी भाभी के भी पूछ लिया करो। ऐसा कुछ ना भाभी, बस थोड़ा काम में लगा रहता हूँ। काम बोल। भाई साहब वो गोकुल शास्त्री के गैंग वाले सुलह करना चाहते हैं। तारों के बाप को क्या मारा कि दो दिन में औकात पता चल गई उनको? जी भाई साहब, औकात तो पता चलनी थी, उनके बच्चों को नया बाप जो चाहिए था।
और तुमसे अच्छा बाप कहाँ से? मेरे साथ रह के ना तू बड़ी समझदार होगी। चल भाई साइड नो। अरे प्रीतो, हाँ। ये रख और मैं बच्चों का नामकरण करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, राजमा चावल बना रही हूँ। बबल तू भी आ जाना। ठीक है, चल भाई। तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ भाई साहब, कहाँ है तेरे गोकुल शास्त्री के आदमी? फोन लगा साला को। भाई साहब कोई फोन ही नहीं उठा रहा। भाई कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। चल भाग 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 यहाँ से भाग। पुलिस ने पिंटू भाई को गोली मार दी। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के निकला हूं। किसी कमीने ने मुखबरी कर दी सर। भाभी अभी हमें यहां से निकलना पड़ेगा। गोकुल के गैंग वाले हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं और पुलिस भी कभी भी यहां पहुंचती होगी। जैसे हमने बॉडी को देखा वैसे ही आपको कॉल करके बुलाया। साइड दीजिए, साइड दीजिए, साइड दीजिए। लड़की की उम्र कुछ 18 से 20 साल लगती है। सर पर गहरी चोट लगी है, किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है। मुझे एरिया सील करवा पड़ेगा। सर ये लड़की यहीं रहती थी? जी सर, शर्मा जी की बेटी नंदनी है, फ्लैट नंबर 204 में रहती है। अच्छा, तुमने जब डेड बॉडी को लिफ्ट में देखा तो लिफ्ट में कोई और भी था या किसी को आते जाते देखा हो? नहीं सर। विजय, या तो इस लड़की के ऊपर हमला इस लिफ्ट में ही हुआ है या फिर ये हमलावर से बचने के लिए लिफ्ट की तरफ भागी। विजय बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। तपन सर, लड़की की फैमिली की डिटेल्स लेके उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। आओ विजय। सर देख, अगर तूने हमें मार दिया ना तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया तो तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, जब चाहो और जितना चाहो।
एमरजेंसी पे बोल रही, जान है तो जान। सर, टेबल पे खाने की प्लेट एक है और खाना भी उसने आधा खाया है। आई थिंक वो जो खाना खा रही थी, हमला तभी हुआ होगा। भैया इस पूरी बिल्डिंग के मेन गेट के इस फ्लोर के सबके सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा उस दौरान घर में कौन आया कौन गया। सर सफर, इस लड़की की फैमिली से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते रहो। सर थैंक यू वेरी मच। अभी प्रीत, अभी बैठ रहे हैं भाभी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं आपके साथ हूं आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आप चिंता करना छोड़ दीजिए। सर उनकी फैमिली में कोई शादी थी, इसलिए शर्मा जी और उनकी मिसेस दो दिन पहले ही रोहतक निकल गए थे। आप कब से जानते हैं इनको? नंदनी जब 3 साल की थी तब शर्मा जी यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। नंदनी के पापा काम क्या करते? वो अकाउंटेंट है बिजली विभाग में। आप लोगों में से किसी ने नंदनी के घर किसी को आते जाते देखा हो? नहीं सर। या नंदनी की किसी से बात हुई हो? नहीं सर। सर कल रात लगभग 10 बजे नंदनी मेरे घर आई थी। अरे नंदनी सॉरी दीदी, इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। वो मेरे पास सुबह सैलेड के लिए खीरा नहीं है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए ना प्लीज। हाँ मैं लाती हूँ। सर इतनी प्यारी और जोली नेचर की लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम्हें बहुत भूख लगी ना, ये लो। तो मेरा कितना ध्यान रखता है ना, अगर तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ भी बोलती हो आप, चुपचाप खाना खाइए ठीक है। बबन तेरी भाभी नहीं, और मैं जिससे जानती हूँ तो हमेशा से मुझे पसंद करता। भाभी तो सिर्फ पंचपुरी पे बोलता था, दिल से तो मुझे हमेशा अपने प्रति तो मानता था ना। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहा? तो मैं भी तुझे हमेशा से पसंद करती पर कभी कह नहीं पाती, लेकिन आज मैं भी तुझसे बहुत पहले कहना चाहता था, तब से ये बात मेरे हलक लगती थी। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना नहीं रह सकता। सर नंदिनी के घर के फुटेज ये देखिए सर, ये फुटेज मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार बहुत ध्यान से चेक किया। रात भर नंदिनी के घर पे ना कोई आया ना गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम सीसीटीवी फुटेज में ढूंढ रहे हैं वो घर में किसी और रास्ते से अंदर घुसा हो, जैसे पाइप से चढ़ के या खिड़की के जरिए? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे से चेक किया था, हर खिड़की के बाहर ग्रिल लगी हुई है। अगर कोई पाइप चढ़ के ऊपर आ भी जाता तो ग्रिल लगे हैं, इसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। अंदर जाने के लिए एक ही दरवाज़ा है, वो है मेन डोर। अब सवाल ये उठता है कि वो जो कोई भी था घर में घुसा कैसे? सर नंदिनी के माँ पापा गए। नंदिनी
आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा या नंदनी का? सीधे साधे लोग हैं हम सर, हम किसी से क्या बैर लेंगे और किसी को हमसे क्या दुश्मनी रखनी। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि नंदनी जहाँ काम करती थी वहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। अभी 6 महीने पहले ही उसकी नौकरी लगी थी। पापा, पापा, मिठाई खाओ। क्या होता है? अरे खाओ तो। मम्मा आप भी खाओ। आज से हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। क्या बात है? और वो भी पता है 2-4 हजार रुपए की, पूरे 50 हजार रुपए की। आपकी बेटी काम कहाँ करती थी? आप लोग जा सकते हैं। विजय कुछ तो जरूर हुआ होगा जिस वजह से नंदनी की जान गई, उसका इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ। एक काम करो, नंदनी के सारे दोस्तों से पूछताछ करो, पता करो क्या नंदनी के माँ बाप वाकई उस दिन शादी में गए थे। सर आपको लगता है इसमें नंदनी के माँ बाप का हाथ हो सकता है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हर एंगल चेक करना होगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर पुलिस ने नंदिनी की मौत से जुड़े हर पहलू को जांचना शुरू किया, लेकिन उनको कोई ठोस दलील नहीं मिल रही थी। अब तक की मिली जानकारी से इतना तो साफ था कि नंदिनी की जिंदगी में कुछ तो रहस्यमय चल रहा था। पुलिस हर सबूत और बयान का बारीकी से मुआयना कर रही थी। सर हमने नंदिनी के दोस्तों से, फैमिली से, आस पड़ोस वालों से पूछताछ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम किसी पे शक कर सकें। उसका किसी के साथ कोई अफेयर भी नहीं था। सर जब से उसने वजन कम किया था उसको मेकअप का और कपड़ों का नया शौक चढ़ा था, बाकी सब कुछ पहले जैसे ही चल रहा था। और मैंने उसके माँ बाप के बारे में पता किया, वो लोग शादी में वाकई रोहतक गए। विजय ये नंदिनी जहाँ काम करती थी वहाँ इंक्वायरी करो, शायद वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर सर नंदिनी शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ये कैसे हो सकता? क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है? बोल ना तू, क्या हुआ? बोल जी क्या हुआ, क्यों रो रही है? बच्चा, बच्चा? तेरा बच्चा पढ़ रहा है मेरे पेट में। क्या हुआ दिखाऊंगी मैं दुनिया को, किसी और की विधवा और किसी और का बच्चा पेट में लिए घूम रही हूँ। एक दिन तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, सोच कर डर लगता है। देखो मेरी बात सुन, मेरे पर भरोसा, मैं तुझे और अपने बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूं। हमारे प्यार के निशान, हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पड़ गई। प्रीतो, मेरी प्रीतो। क्या डॉक्टर, कोई ऐसा क्यों करेगा और नंदिनी ऐसा क्यों करेगी? अपने आप को ऐसे घाव कोई क्यों देगा जिससे उसकी मौत हो जाए? ये देखिए सर, नंदिनी के सर पर जो चोट है और दीवार पर जो खून के धब्बों के निशान हमें मिले हैं वो दोनों आपस में मैच करते हैं। सर बात यह है कि जो इंजरीज हैं वो मेनली फोरहेड पे हैं, जो तभी होता है जब इंसान अपना सर खुद दीवार पर मारता है, और अगर कोई अटैकर होता तो इंजरीज स्कल पर भी होते। यानी कि नंदिनी ने अपना सिर खुद दीवार से पटका। हमारी इंक्वायरी में जहाँ तक हमें पता चला है, नंदिनी ऐसी लड़की नहीं थी कि वो आत्महत्या कर ले, और ना ही उसे कोई दिमागी बीमारी। बिल्कुल कर सकता सर, इन मेडिकल ड्रग्स की वजह से जिस मात्रा में ये नंदिनी के शरीर में पाई गई हैं, उस हालत में इंसान कुछ भी कर सकता है। सर नंदिनी के माँ बाप ने हमें नंदिनी का जो विजिटिंग कार्ड दिया था वो तो फेक है, उस नाम की कोई कंपनी है ही नहीं, और उस एड्रेस पे जो बिल्डिंग का नाम लिखा था वो तो खंडर बन चुकी है। पर नंदिनी ऐसा कर क्यों रही थी? अपने माँ बाप से झूठ क्यों बोल रही थी? उसका तो कोई अफेयर भी नहीं था जिसे छुपाने के लिए वो ऐसा करे। क्या नंदिनी दोहरी जिंदगी जी रही थी? विजय काम करो, इस नंदिनी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, अकाउंट डिटेल्स वगैरह वगैरह।
मुझे लगता कहीं कुछ ऐसा है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। नंदिनी को कोई नशे की लत नहीं थी सर, आप उसे बदनाम कर रहे हो। देखिए हम उसे बदनाम नहीं कर रहे, ये नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि नंदिनी के शरीर में भारी मात्रा में ड्रग्स मिले। देखिए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं बहुत सी बातें अपने माँ बाप से छुपाने लगते हैं। हो सकता है नंदिनी ने ये नशे की बात भी आप लोगों से छुपाई हो जिसकी वजह से उसकी जान गई। अब हमें पता ये करना है कि नंदिनी को ये मेडिकल ड्रग्स कहाँ से मिले जिनकी उसे लत लगी थी। और तो और नंदिनी के ऑफिस का जो आपने विजिटिंग कार्ड हमें दिया था उसका एड्रेस भी फेक है ना, तो उस नाम की कोई कंपनी और ना ही कोई बिल्डिंग। आपकी जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, वो भला ऐसा क्यों करेगी? नंदिनी का किसी बीमारी का इलाज चल रहा था इन दिनों? नहीं सर, इलाज तो नहीं, पर हाँ वजन घटाने के लिए उसने स्लिमिंग क्लिनिक ज्वाइन किया था। बारह किलो वजन कम होने के बाद 6 महीने पहले ही उसने वो छोड़ दिया, उसके बाद उसे नई नौकरी मिली थी। नाम क्या है उस क्लिनिक का? इंस्टा शेव वेट लॉस क्लिनिक। नंदिनी बचपन से थोड़ी मोटी थी लेकिन बड़े होते होते उसे इस मोटापे से टेंशन होने लगी, कोई उस पे हंसता तो कोई उसको टोकता, वो बहुत दुखी हो जाती थी। सर ये रही मेरी नंदिनी की तस्वीर। क्लिनिक जाने के बाद उसका वजन तेजी से घटने लगा, वो उसे कुछ दवाइयां देते थे जिससे उसका वजन घट रहा था। स्लिमिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद क्या आपने नंदिनी में वजन घटाने के अलावा कोई और चेंज नोटिस किया था? नहीं सर, वजन कम होने के बाद नंदिनी बहुत खुश थी, नए फ्रेंड्स बना रही थी, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी, बट हाँ थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था उसका, लेकिन साथ ही उसका मूड स्विंग्स भी बढ़ने लगा था। नंदिनी क्या बात है बेटा, चुपचाप बैठे हो अकेले यहाँ, कोई परेशानी हो तो अपने पापा को बताओ। नंदिनी मेरे चुप बैठने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं परेशान हूँ। अरे 2 मिनट शांति से बैठने दो ना मुझे। कोई एक बात बताइए, ये नंदिनी का खर्चा कैसे चलता था? पैसे तो उसके पास होते ही थे, हमें लगा नौकरी कर रही है वहीं से आ रहे होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रही थी। भाई भाई ठाकुर ने फ्लाईओवर के पास बुलाया और बुलाया अकेले आने। रुक मैं तो मैं जाके आता हूँ। अपना ध्यान रखना और संभाल कर जाना। तू घबरा मत, पुलिस को पता भी नहीं कि हम कर रहे हैं, ठीक है? सर नंदिनी के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके बारे में खास कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके मोबाइल लोकेशन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो गुरुग्राम के सेक्टर 48 में अक्सर आया जाया करती थी, वो भी उस टाइमिंग पे जब उसके माँ बाप के हिसाब से वो जॉब पर होती थी। वहाँ ऐसा क्या था? सर स्लिमिंग क्लिनिक। कोर्स पूरा होने के बाद नंदी शर्मा इस एरिया में क्यों जाया आया करती थी? इस स्लिमिंग क्लिनिक का क्या राज है? सर इस क्लिनिक के बारे में खास कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चला है कि ये कंपनी 5 साल पुरानी है और दिल्ली NCR में कुल मिला के 12 ब्रांचेस हैं और सारे के सारे ब्रांचेस बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। और हाँ सर, नंदिनी शर्मा के फाइनेंशियल डिटेल्स। सर इसके हिसाब से नंदिनी की कोई फिक्स सैलरी नहीं थी, लेकिन फिर भी हर महीने 40 से 60 हज़ार रुपये कैश उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते थे। विजय होना हो इस नंदिनी शर्मा का कोई ना कोई राज इस स्लिमिंग क्लिनिक से जुड़ा होता है। यस सर, अभी आपको किससे मिलना? यहाँ का मैनेजर कौन? उनसे मिलना है। ओके वन सेकंड। तुम ही रुको। बबन, बबन मारा गया, पुलिस ने हमें फंसाया था वहां पे। पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। क्या दिक्कत है तेरी? क्या चाहता है तू? क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देता? जब भी खुश होती हूँ, जब भी कुछ अच्छा होता है, सब खत्म कर देता है। मुझे जीने का हक नहीं है क्या? क्यों मुझे चैन से नहीं जीने देता?
अभी आप कहां जाओगे? पता नहीं, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आऊंगी। खुद को इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनाऊंगी कि पुलिस मेरे आगे पीछे घूमे, और कभी टकराए भी ना तो मैडम कह के बुलाए। बुजुर्गों के लिए घर दान करके मैं उन पर कोई एहसान नहीं करती, बल्कि मालिक ने मुझे जो दिया है वही मैं दूसरों को दे रही हूँ। ये वृद्धाश्रम मैंने अपनी माँ की याद में बनवाया, उनके आदर्श और वसूलों का मैं पालन करती हूँ और आगे भी करती रहूँ। अमल या पटियाला प्यार की निशानी मेरे पेट में है। ये रख, और मैं बच्चों का नामकरण करके आता हूँ। पुलिस ने पिंटू भाई को गोली मार दी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरा बच्चा पड़ रहा है मेरे पेट में। बबन मारा गया, पुलिस ने हमें फंसाया था वहाँ पे। पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। पुलिस के हाथ नहीं आऊंगी। खुद को इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनाऊंगी कि पुलिस मेरे आगे पीछे को। कल तक पुलिस से मुंह छुपाए फिर रही प्रीत आज इस मकाम तक कैसे पहुंची? उसका कद इतना बुलंद कैसे हो गया? नंदिनी की मौत की तफ्तीश कर रही पुलिस टीम ने अब एक नया पैंतरा आजमाया। अब इंतजार था किसी ठोस सबूत के हाथ लगने का। How may I help you? हमें नंदी शर्मा के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। 6 महीने पहले पेशेंट थी वो आपकी। Please have a seat. जब नंदिनी के बारे में सुना तो बहुत बुरा लगा। मेरा तो दिल ही बैठ गया था जब मुझे पता चला। हमने तो उसके घर पे कंडोलेंस हैम्पर में भेजा था। एक बात बताइए, वजन घटाने के लिए आप अपने पेशेंट्स को लाइसेंस पिल्स देते हैं? पिल्स? नहीं तो हम तो उन्हें मल्टीविटामिन देते हैं। बल्कि ये पिल्स के तरीके तो हम उन्हें सजेस्ट भी नहीं करते, क्योंकि जितनी जल्दी इससे वेट लॉस होता है उतनी ही जल्दी वापस बढ़ता भी है। हम एकदम साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। आइए मैं आपको दिखा। प्रियंका जी, आप हमें टेस्ट के लिए स्निनिंग टैबलेट का एक सैंपल दे सकती हैं? या श्योर, मैं अभी अरेंज कराती हूँ। थैंक यू। मुझे क्लिनिक से रिलेटेड ऐसी कोई भी चीज़ हमारे हाथ नहीं लगी जिससे ये साबित हो कि क्लिनिक में कुछ गड़बड़ थी। सर, नंदिनी के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से वो गुरुग्राम के सेक्टर 48 में अक्सर जाती थी, और ये क्लिनिक भी तो सेक्टर 48 में है। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो गुरुग्राम के सेक्टर 48 में क्लिनिक में ही जाती थी। ये भी तो हो सकता है वो सेक्टर 48 में अपने किसी दोस्त के यहाँ जाती है। रही बात पैसों की जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट होते थे, हो सकता है वो ड्रग पेडलिंग से रिलेटेड हो। तभी उसने उस दौरान पार्टीज में आना जाना शुरू कर दिया था। विजय, काम करो, नंदिनी के सारे दोस्तों से पूछताछ करो। सर,
हो जाएगा सर जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप बोलिए तब। चलो खाना खा लो बच्चा। नहीं। थोड़ा मोबाइल खाना खा लो। नहीं जाऊंगा। दिव्या क्या बदतमीजी है ये? हाँ दोबारा किसी लड़की आंटी से बात की ना तो खाल खिचड़ूंगी। सॉरी बोलो आंटी को। माय गॉड, बहुत सुना है इस क्लिनिक के बारे में। मेरा वजन भी कम हो जाएगा ना? पता है लोग मुझे फैटी मोटी पता नहीं क्या क्या बोल के चढ़ाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे मेरी शादी होगी? कैसे नहीं होगी तुम्हारी शादी? बिल्कुल होगी। और ये शादी क्या चीज़ है? एक बार हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी बाकी लड़कियों की तरह। सच? बिल्कुल। नहीं सर, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर एक बात है जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। वो प्रियंका किसी लड़की से दवाइयाँ खाने की बात कर रही थी और किसी छोटी पंजाबन से मैडम मैडम बोल के पुलिस के आने की बात भी कर रही थी। मैंने पुलिस को समझा कर वापिस भेज दिया है। मैडम छोटी पंजाबन हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे लिए आइडल है और हम आपके नाम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। जी आई एम सॉरी। सब ठीक? जी ठीक। तुम उस पे नजर बना रखो। जी सर। सर लो खाना खा लो। प्राची ने जिस छोटी पंजाबन का नाम लिया था वो एक बिजनेस वूमन इधर उधर समाज सेवा का काम करते रहती है, लेकिन उसके खिलाफ खास कुछ पता नहीं चला। विजय भूतों का भी पास्ट होता है, ये तो फिर भी एक इंसान है। इस छोटी पंजाबन का कोई तो बैकग्राउंड होगा। सर इस छोटी पंजाबन के बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि कुछ साल पहले रोहतक पुलिस इसे ढूंढ रही थी। कुछ पेंडिंग केसेस थे इसके खिलाफ लेकिन कभी ढूंढ नहीं पाए। सर ये भी पता चला है कि ये केस इंस्पेक्टर आलोक शर्मा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन ये माना जाता है कि दबाव की वजह से ये केस वो सॉल्व नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर आलोक शर्मा से कॉन्टैक्ट करो। सर क्या छोटी गैंगस्टर थी? हाँ शुरू से ही सस्पेक्ट थी, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला और जब तक ये केस आगे बढ़ता वो कहीं अंडरग्राउंड थी। उसे काफी टाइम के बाद मैंने एक बार न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखी, अच्छा खासा नाम बढ़ा करके वो सामने आई। मैंने उस वक्त भी उसकी फाइल रीओपन करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं, बड़ा कद हो गया उसका, ऊपर के लोगों की पहचान है। तब तो इस छोटी पे हाथ डालना और भी मुश्किल होगा, उसके खिलाफ कहीं कुछ सबूत नहीं। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर वो स्लिमिंग क्लिनिक में इन्वॉल्व तो कुछ ना कुछ गोरखधंधा जरूर चल रहा है, लेकिन फिर भी उस तक पहुंचने के लिए हमें सबूत तो चाहिए। अगर छोटी ने अपना नाम और पहचान इलीगल तरीके से बदली है तो ये भी एक क्राइम है, और ये बात अगर हम साबित कर पाए तो उस तक पहुंचा जा सकता है। एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, आप उसे लेके जाइए, सब सच सामने आ जाएगा। क्या हुआ, ऐसे कैसे गुस्से चले आ रहे हैं आप? आपसे कुछ बात करनी थी। पर मुझे कोई बात नहीं करनी। हमसे नहीं करनी लेकिन इनसे तो करनी होगी।
ये क्या तमाशा कर रही है? मेरी शादी किसी रईस बड़े आदमी से होगी। इतने साल गैंगस्टर बने रहने के बाद अचानक समाज सेविका बन गए, कमाल का हृदय परिवर्तन है। नहीं, पहले पिंटो के साथ, फिर बब्बन के साथ, फिर अचानक अंडरग्राउंड, अब इतने सालों बाद गुरुग्राम में समाज सेविका और बिजनेस वुमन बनकर बाहर आई। कहां से आया इतना पैसा? क्या गोरख धंधा चल रहा है उस लिमिंग क्लिनिक में? क्या लेना देना है तुम्हारा उससे? अगर मैं गैंगस्टर तो आप पुलिस वाले? आप लोग क्या है? क्लिनिक से जुड़ी एक लड़की ने अपनी जान ले ली है। उसके शरीर से हमें हेवी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं। कुछ रोशनी डाल सकती हैं? क्लिनिक में 500 लड़कियां आती हैं सर, वो बाहर जाकर क्या गुड़ खिलाती है उससे मेरा क्या लेना देना? और रही बात आपके सवालों की, तो उसके जवाब देना ना तो मैं जरूरी समझती हूँ और ना ही वो मेरी मजबूरी है। लेकिन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि हम अगर अपने पे आ गए तो सच गुलवा ही लेते हैं। 4 घंटे हैं तेरे पास सोचने के लिए, सोच लो, मर्जी से बोलोगी या आओ भगत करा के। ये क्या कर रही हो तुम यहां? कुछ नहीं मैम, वो किसे पूछकर तुम मेरे कैबिन में आई? और ये लैपटॉप में क्या कर रही थी तुम? और वो क्या छुपा रही हो? यहां दो। पुलिस वाले ना तो उस समय मेरा कुछ बिगाड़ पाए थे, अब बिगाड़ पाएंगे। मैं पुलिस क्या हो? मैम पुलिस मुझे फंसाना चाहती है। मैम झूठा केस बनवाने के लिए मेरी ऐसी हालत कर दी। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरी मदद करिए, इस केस को लेके जाइए, देखिए पुलिस वाले क्या जुर्म कर रहे हैं। लेकिन सर। जी सर, कमिश्नर साहब का फोन था। ये मामला नेशनल मीडिया ने उछाल दिया। ये छोटी पंजाबन बहुत चालू चीज निकली, गेम खेल गई हमारे साथ। अब इसे छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। सर बाहर पूरी मीडिया जमा है, वो लोग इस केस को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि गलती हमारी हो, और प्राची को भी क्लिनिक से निकाल दिया गया है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम करें तो क्या करें? किसी के खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत नहीं है। अब नंदिनी की मौत का राज खुलेगा कैसे? मैडम मैंने ही आपको फोन किया था, मेरी बेटी लापता थी, मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन जब से मेरी बेटी वापस आई है अजीब सी हो गई है। वो हमेशा ड्रग्स के लिए परेशान रहती है। मैंने बहुत कोशिश की उसकी ड्रग्स की लत छुड़ाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हारे ब्लड में कुछ ड्रग्स के ट्रेसेस पाए गए हैं, और तुम्हारे पापा का कहना है कि तुम्हारी ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए उन्होंने तुम्हें कमरे में बंद करके रखा था। क्या ये सच है? ये ड्रग्स की लत तुम्हें कैसे लगी? कौन देता था तुम्हें ये ड्रग्स? छोटी पंजाबन। ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ याद आया, हाल ही में मीडिया में उसके बारे में सुना था। गुरुग्राम केस में उसका नाम सामने आया था। तुरंत गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म करो। बताना मुझे सर, लखनऊ पुलिस को एक लड़की मिली है जिसका कनेक्शन छोटी पंजाबन से है। कुछ साल पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, क्योंकि मुझे पता था पापा नहीं मानेंगे, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं था, और पापा सही भी थे मैम। वो मुझे भगा कर ले गया और मुझे छोटी पंजाबन को बेच दिया उसने। उसने मुझे एक कमरे में बंद करके रखा और मुझसे जबरदस्ती धंधा कराने लगी। क्या हुआ? अरे पगली, तुझे मालूम नहीं
इस धंधे में ना पैसा ही पैसा है। दर्द होता है ना, चल ये ले। कुछ दिन दवाई खा के काम चला ले, तो धीरे धीरे आगे बढ़ ले, ले, ले। दवाई के नाम पे मुझे ड्रग्स की लत लगा दी। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। दिन रात मैं वहाँ से बस भागने की प्लानिंग करती रहती और जैसे ही मुझे वो मौका मिला मैं फौरन वहाँ से भाग के पापा के पास आ गई। लेकिन उस ड्रग्स की लत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। स्वाति, इस छोटी पंजाबन के गले का फांसी का फंदा तैयार करने का समय आ गया है। फांसी का फंदा मेरी जूती से? लड़कियां ये सब अपनी मर्जी से भी तो करती हैं सर, मैंने इसमें क्या नया कर लिया? उनका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया, और हाँ बड़ी ईमानदारी से उन सब का हिस्सा उन्हें दिया। मुझे नौकरी मिल गई है, पूरे 50,000 रुपए की। वैसे भी लड़कियां हमेशा दूसरों का सहारा ढूंढते रहती है, रोते धोते रहती है। मैंने तो उन्हें समझाया कि बेवकूफ लड़की हो, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बहुत कुछ है, क्यों किसी और के लिए रोना? और इस मिशन में तो नंदनी, रितु और न जाने ऐसी कितनी लड़कियों की खरीद फरोख्त की, उन्हें नशे की आदत डाली ताकि तेरे और दलालों के चंगुल में फंसी रहे। धंधा कोई भी हो, खरीदना बेचना तो पड़ता ही, और नंदिनी ने भी कुछ कम पैसे नहीं बनाए। जब नहीं झेल पाई तो मर गई, मैंने थोड़ी ना मारा उसे। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, इस बात का एहसास है तुम्हें? मैंने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की सर, और मैंने नया क्या किया? अब माल की डिमांड आएगी तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना, किसी को 16 की चाहिए तो 30 की तो नहीं दे सकती ना। अब जिस फ्लो से अब तक इतनी बातें कही हैं, उसी फ्लो में सच भी बोल दे, वरना इसका हाथ अगर अपने फ्लो में चला तो कोई भी ड्रग तेरा दर्द कम नहीं कर पाएगी। पिंटू की डायरी से मुझे बहुत से बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के बहुत सारे छिपे हुए राज, मैंने उन्हें धमका कर अपने लिए एक नया नाम और पैसा इकट्ठा किया। जगह जगह पर मेरी क्लिनिक चलती है सर, बहुत सी लड़कियां आती जाती हैं, उनमें से मुझे जो पसंद आती थी लगता था कि अच्छी है, अच्छे पैसे मिलेंगे, उन्हें लालच देकर मैं अपने धंधे में ले लेती थी। और यकीन मानिए सर, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बहुत सी तो ऐसे ही रोते धोते आ जाती थी खुद ही। अच्छा हुआ तूने खुद सच बोल दिया, अब तेरे उन्हीं आकाओं को तेरे साथ यही सलाखों के पीछे बंद करेंगे। अपने सपनों के पीछे भागते भागते मैं ये भूल ही गई थी कि देर सवेर कहीं ना कहीं इनका अंत हो ही जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसका मुझे विश्वास था। लेकिन आज ये एहसास हुआ कि कुछ पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।